नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। लोकसभा की हमीरपुर सीट हमेशा से ही हॉट सीट मानी जाती रही है। यहां पर साल 1992 से 17 बार लोकसभा चुनाव और उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 10 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। पिछले लोकसभा चुनाव और उपचुनाव की बात की जाए तो लगातार 8 बार से बीजेपी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पिछले 4 लोकसभा चुनाव से यहां सांसद हैं। हमीरपुर लोकसभा सीट पर सबसे पहले साल 1952 में लोकसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार आनंद चंद चुनाव जीते थे। इसके बाद साल 1967 में कांग्रेस के प्रेमचंद वर्मा ने जीत हासिल की। वहीं साल 1971 में कांग्रेस के नारायण चंद जीते थे। साल 1977 में भारतीय लोकदल के ठाकुर रंजीत सिंह ने जीत हासिल की थी। हालांकि कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दम दिखाया और 1980 और 1984 में नारायण चंद यहां से सांसद चुने गए। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया और प्रेम कुमार धूमल ने यहां से जीत हासिल की। 1991 में भी प्रेम कुमार धूमल का ही जादू चला और वो जीत गए। हालांकि 1996 में कांग्रेस के विक्रम सिंह ने बाजी मार। 1998 से 2019 तक फिर बीजेपी ने सीट पर किसी को भी कब्जा नहीं करने दिया। 1998 से 2004 तक सुरेश चंदेल, 2007 के उपचुनाव में प्रेम कुमार धूमल और 2008 के उपचुनाव और 2009 से 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुराग ठाकुर ने जीत हासिल की थी। तो आज जीबीएन 24 न्यूज में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।